खूंखार भरते हो आप लोगों से पार्टी मजबूत होती है और आप लोगों से जो नेता है वो मजबूत होता है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि अपने दिल पर हाथ रखना और ये सोचना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे जब हम आजाद हुए तब से लेकर आज तक वो सच्चाई के लिए लड़ती थी और लड़ती है और आगे भी इन गलत जो गतिविधियां हमारे देश में की जा रही है, जो केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है इस वक्त लोगों को भड़काने का काम कर रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए एक एक शख्स देगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज यहाँ पर इस पंडाल में बैठकर ये अपने आप के लिए दर तक भटक रहा है, इस सरकार को वो दिखाई नहीं देता। आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें जो महंगाई के लिए अपना घर चलाना जिन्हें मुश्किल हो रहा है, इस सत्ता में बैठी हुई चूर सरकार को वो दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लोगों को लड़ाना और उसके हिसाब से कुछ नहीं आता। लेकिन आप लोग इन्हें बता दीजिए कि अगर इस चीज के ऊपर आप लोग राज करना चाहते हो तो ये चीजें ज्यादा देर चलेंगी नहीं और आप लोग इन चीजों को ज्यादा देर चलने नहीं दोगे, क्योंकि ये कहीं से भी हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर नहीं जाती। जो ये जातिवाद के ऊपर के लोग जो राजनीति करते हैं, ये चीजें कहीं से भी हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी, मैं कहूंगी कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंट नहीं होती, ये हमारे देश को आए दिन नीचे लेकर आती है। और हमें चाहिए, हमें हमारे युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, हमें ये जो महंगी जो बढ़ती महंगाई है हमें उससे निजात चाहिए। आज हमारे इतने ज्यादा लोग, हमारी बहनें जो है वो अपने घरों को चलाना जिनको मुश्किल हो रहा है, क्या कहा था भाजपा सरकार ने जब इलेक्शन लड़ने के लिए वोट मांगने की बारी आई तो इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, सिलेंडर इन्होंने मुफ्त कर दिया, अब वो एक सिलेंडर लेकर आप लोग ढोल की बजाओ उसके ज्यादा ये और काम आने वाला नहीं है आपके, क्योंकि अब सिलेंडर के रेट देख लो, हमारी बहने जो बैठी है तेल के दाम आज देख लो, दालों के दाम आज देख लो, आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं। अगर इन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ जातिवाद चाहिए, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे देश को तरक्की दिखा कर लाना है। और अगर वो चीजें कोई करेगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार करेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। और उन्होंने हमेशा से गरीब आवाम की आवाज, कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन हमारे इलाके जैसे बनी बसोली बिलावर है वो यहाँ पर, वहां पर भी मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और हमारे रमन भल्ला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर वहां पर आए और हमारे लोगों के साथ बातचीत करें। जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस विलुप्त हो गई है, तो उन चिपन लोगों से एक सवाल करना कि अगर कांग्रेस विलुप्त हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुम लोगों को, अपना काम करिए ना, इतनी परेशानी लेने की, परेशान होने की जरूरत क्या है सरकार को और इनके नेताओं को। और ये लोग क्या कहते हैं आज बेटी सुरक्षित है, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, आज बेटी वो ऋषिकेश में अंकिता भंडारी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हमारी वहां पर बैठी हुई जो सरकार है भाजपा सरकार, उनके कानों में जू तक नहीं लेंगी, चाहे वो हथरस का केस हो, आज बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं आए दिन, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें भाजपा के नेता और वर्कर पकड़े जाते हैं, इसीलिए उनके ऊपर इंक्वायरी, कोई चार्जशीट, कोई इंक्वायरी नहीं उनके ऊपर होती। इनके बड़े बड़े नेता जो आज करप्शन के साथ लग हुए हैं लेकिन उनके ऊपर कोई सीबीआई, कोई ईडी नहीं बिठाई जाती, क्यों, क्योंकि वो लोग आज सत्ता में हैं, उनके पास पावर है, लेकिन कोई अगर इस, मैं कहूंगी मेरे